क्यूटी। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कितने ज्यादा लकी और ब्लेस्ड हैं। गाइस आज है मेरे एग्जाम का बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट डे। आज मेरा वाइवा एग्जाम है और आज है 11 तारीख और आज BTS जा रहे हैं। आज BTS चले गए होंगे मिलिट्री और अभी तो सुबह के 7 बज रहे। क्या 7 बजे चले गए होंगे? आई डोंट नो। हमारे यहाँ 7 बज रहे तो उनके पास 10 बज रहे होंगे, तो शायद वो चले गए होंगे। तो अभी मैं जाती हूँ कॉलेज, फिर मिलती हूँ। ठीक है गाइस, आज देखो कितने सारे बर्ड्स चिरपिर कर रहे हैं। तो गाइस आज कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही ठंड पड़ रही है और कुछ लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। एक्सरसाइज नहीं, वो झींगा लाला भी कर रहे हैं। पढ़ा ही नहीं जा रहा, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। गाइस अभी सुबह सुबह नोटिफिकेशन आई कि वीक चला गया, मतलब हाँ गुड बाय वाला मैसेज आ चुका है। हसदे चेहरे का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होंगी, उसका मतलब यह होंगे कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होंगे। गाइस आई एम बैक अगेन। कॉलेज से आके मैं सो गई थी और मैं स्टूडेंट आ गई, मैं टीचर बन गई हूँ। और ये भी बता रही थी कि हाँ आज मेरा जो वाइवा था वो बहुत अच्छा गया। देखो आपको बहुत ज्यादा क्यूटनेस दिखाऊंगी। तनिष्का तिजोरी में क्या छूट गया है? हाय हमारे घर में गंद नहीं है गाइस, हमारे घर देख लो कितना साफ सुथरा घर दिख रहा है। पर लेकिन मेरे पड़ोसियों ने कुछ गंद डाल रखा तो करके चूही आ जाती है, पर वो बहुत क्यूट होती है। इसका कुछ रह गया अलमारी में शायद, इसकी शायद करोड़ों की जायदाद जिसने इकट्ठी किया ना वो रह गया अलमारी में। पर आपको ये चूही कितनी क्यूट होती है, बहुत क्यूट होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा क्यूट, जस्ट लाइक मी। आगे 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 है ये, इसको चिज्जी दे रही थी गाइस। The next day. Hello guys, आजाओ मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कितने ज़्यादा लकी और ब्लेस्ड हैं। अगर हमारे पास एक अच्छा घर है ना तो हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। दिखाऊँ, एक छोटा सा बच्चा इसके अंदर बंद। और ना आज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ये छोटा सा क्यूट सा डॉगी का बच्चा हमारे यहाँ पे आ गया। इसे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, फिर मैंने इसको मतलब जर्सी पहना दी, इसको एक और अच्छे से को कोट करके रख दिया। अब जाके वो आराम से सो रहा है। यार ब्लेस्ड गाइस, ये दूध गर्म हो रहा है क्यूटनेस के लिए। और आपको बताऊँ वहाँ पे जो थोड़ी सी क्यूटनेस थी ना, अब वो बढ़ बढ़ के इतनी सारी हो गया। पता है पहले वहाँ पे एक डॉगी था और उसके जो भाई बहन थे ना वो भी साथ में आ गए, तो तीन तीन हो गया। मैं उनके लिए थोड़ा सा दूध लेके जाऊँ क्योंकि इन्हें बहुत ठंड लग रही है। इतना गर्म रख लेती हूँ कि हाँ बस उंगली अच्छे से डिप हो रही है। गर्म तो नहीं है ज़्यादा, नहीं ज़्यादा गर्म नहीं है। चलो अब उनकी ठंड भाग जाएगी एटलीस्ट इसको पी के। गाइस क्यूटनेस, ये देखो छोटा। हाँ ये सुमायरा के स्वेटर है, अच्छी है ना। चलो उठो दूध पी लो। लग रहा है देखो गाइस कितना क्यूट लग रहा है इसमें। अब उठे ये सुबह से दोपहर से। इतना प्यार, इतना प्यार आपस में, ये तीनों प्यार कर रहे हैं। हेलो गाइस, हम चंडीगढ़ में जरूर रहते हैं पर इन सबको सब कुछ कहते हैं पर सुनता कोई नहीं। मेरे पापा मेरे को सपोर्ट करते हैं गाइस, पर मेरे ये अंकल मेरे को कभी भी सपोर्ट नहीं करते। अभी से पहले गाइस देखिए, ये है हेयर ऑयल, आप इसे लीजिए
और अपने बालों को सफेद से ब्लैक बनाइए और अपने बालों को लंबा कीजिए। ये बहुत ही सस्ता है, इसके साथ ऑफर है, आपको जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए सिमरन जेडी ब्लॉग पे और कमेंट में लिख के बताइए तो और एड्रेस दीजिए, आपके पास पहुंच जाएगा। फ्री डिलीवरी है। ओके, फ्री डिलीवरी गाइस, ये नहीं पता था फ्री डिलीवरी। ठीक है, आपको सच में बता देना अगर आपको सही लगा। गाइस बहुत बढ़िया है, अगर किसी को व्हाइट बाल आते हैं और इसे लगाएंगे तो एक हफ्ते में इसका रिजल्ट मिलेगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके बाल जड़ से ही ब्लैक आने शुरू हो जाएंगे और आपके बाल जो छोटे छोटे हैं वो बड़े बड़े लंबे लंबे हो जाएंगे और बाल झड़ने भी रुक जाएंगे। इसमें बहुत सी जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं और इसको स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। आप इसे लीजिए और इसका रिजल्ट देखिए। आप सचमुच एक सीसी मंगवा कर देखें, आप चार मंगवाएंगे उसके बाद। सच में ऐसा है। थैंक यू अंकल, बाय। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं गाइस कि हमारी कोई ब्रांचेस नहीं है। oh my God. आपको हमारी शॉप से ही मंगवाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? ये है मेरी छींक मारती हुई मम्मी। नहीं कट, कट करेगी वरना। देखो यहाँ से आएगी यार, तू ही नहीं जा रही, वो तो क्या ही आएगी। इधर नहीं आयो, ते मत यार, चूही को डिस्टर्बेंस हो रही है। कैसे पागल हो रखी है, कैसे पागल हो रखी है, हे भगवान। डार्लिंग रहन दो। यस, और ये मेरे खूबसूरत लंबे लहराते हुए बाल देख रहे हो ना, ये इसकी बदौलत आए हैं दोबारा।